ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम लगातार कोशिश कर रही है, सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसी सिलसिले में जब मुंबई से गोवा तक जगह जगह छापेमारी हुई तो 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए करमजीत और संकेत पटेल के वकील संदीप कटके से बातचीत की हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने। कटके जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। एडवोकेट है करमजीत और मिस्टर संकेत पटेल को ये प्रेजेंट करता है। सर ये बताए कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ है कोर्ट को लेकर, कितने लोगों को जुडिशियल कस्टडी में लिया और कितने लोगों को जो है एनसीबी कस्टडी। एनसीबी ने टोटल 6 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया, उसमें से 3 लोगों को जुडिशियल कस्टडी मिली, उसमें से संकेत पटेल को बेल मिल गई और बाकी 3 लोगों को एनसीबी कस्टडी मिली है 16 तारीख तक। अगर हम बात करें करमजीत को लेकर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे फोकस किया जा रहा है एनसीबी की ओर से, शोविक चक्रवर्ती के साथ इनका रिलेशन था, वो टच में थे और ड्रग्स को लेकर जब भी बात होती थी तो केजे नाम से जो है करमजीत को पिनपॉइंट किया जाता था। मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्रग्स सिंडिकेट की बात हो रही है, लेकिन कौन सा क्वांटिटी एनसीबी ने अभी तक रिकवर किया है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल क्वांटिटी रिकवर नहीं किया है। और जो भी कम्युनिकेशन सामने आया है वो तो खाली आरोप है, और कोर्ट में जब ये चीजें सामने आएंगी तो कोर्ट में हम इसके ऊपर दलील पेश करेंगे। अभी कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स है, वो बकायदा बताते हैं करमजीत का नाम और केजे का नाम फोकस में, कि अगर आपको हैशेस चाहिए, अगर आपको वीड्स चाहिए तो केजे को। देखो, नाम आना, डिलीवरी होना और रिकवर होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। कोई किसी के ऊपर कुछ नाम लेता है, किसी कुछ कम्युनिकेशन मिलता है और वो कोरोबरेट नहीं होता है तो किसी भी प्रकार का आरोप यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। केजे कहीं पे भी जुड़े नहीं थे रिया चक्रवर्ती के साथ? बिल्कुल नहीं, केजे कभी रिया चक्रवर्ती को मिला भी नहीं और उसने कभी सुशांत को भी मिला नहीं। और शोविक चक्रवर्ती, क्योंकि केजे ऐसे कहा जाता है करमजीत और शोविक चक्रवर्ती ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे और वहीं से जो है ड्रग लिंक्स के पार्ट थे, ड्रग चेन के लेकर पार्ट। जहां तक मुझे जानकारी है तो शोविक चक्रवर्ती और केजे कोई भी प्रकार से क्लासमेट नहीं थे और उनका कोई भी संबंध नहीं था। बाकी को लोगों को लेकर जो है उनके नाम आ रहे हैं, उनके भी रोल्स बताए जा रहे हैं कि किस तरह से ये सारे लोग मिलकर जो है चेन पास होती थी, शोविक चक्रवर्ती से पास होकर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत। हमको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिनको अरेस्ट किया वो कौन लोग है, ये कोई ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, सब आम घर में जैसे अपने 22-23 साल के बच्चे होते हैं उस प्रकार के लोग है। इसमें किसी के ऊपर भी कोई एंटीसीडेंट नहीं है, किसी के ऊपर ड्रग पेडलिंग का पहले से कोई आरोप नहीं है, ये सब नॉर्मल घर के लोग है। खाली जो कम्युनिकेशन मिला पहले ईडी आई सीबीआई हुई सुशांत के जस्टिस फॉर सुशांत का जो आंदोलन चला उसके माध्यम से कुछ तो काम सरकार को बताना था, तो उनको ये ड्रग का कनेक्शन मिला तो उन्होंने ड्रग की तरफ अपना इन्वेस्टिगेशन मोड़ दिया। और जब इसने इन्वेस्टिगेशन किया ड्रग की तरफ तो इसमें कुछ नाम आए, ये सब बच्चे लोग हैं, कोई भी कमर्शियल क्वांटिटी एनसीबी ने अभी तक रिकवर नहीं की है और यहाँ पे कोई भी बड़ा ड्रग पेडलर इनके हाथ में लगा नहीं है, ये सब छोटे बच्चे हैं 22-23 साल के जो कॉलेज पढ़ते हैं। करमजीत का बैकग्राउंड क्या है? करमजीत एक मैनेजमेंट का ग्रेजुएट है, वो बीएमएस किया उसने भवंस कॉलेज से। और संकेत? संकेत का मुझे जानकारी नहीं है। और इसी खबर पर अपडेट के साथ उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्वशी, हमने सुनी है बातचीत, मुझे बताइएगा क्या वाकई ऐसा है कि कॉलेज के लड़कों को पकड़ लिया गया है, बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स तक पहुंची ही नहीं है एनसीबी की टीम, या ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर कुछ बड़े लोगों का हाथ हो उनके ऊपर और उन्हें दबाने की, पीछे हटाने की, छिपाने की कोशिश हो रही हो? जी देखिए, ये क्या एग्जैक्टली अभी फिलहाल इनके पीछे किन लोगों का हाथ है ये तो देखने की बात है, पर अभी फिलहाल जो है हाँ ये सारे यंगस्टर्स हैं, पर एनसीबी ये भी कहती है कि किस तरह से उनके पास पुख्ता सारे सबूत है, उन्होंने जो सारी अरेस्ट की एक के बाद लिंक की, चेन्स को जो है लिंक करके पहले रेड्स किए, फिर कुछ जो है ड्रग का मटेरियल कुछ मिला जिसके आगे कनेक्ट होकर जो है वो रिया चक्रवर्ती को पकड़े, फिर शोविक चक्रवर्ती को पकड़े और बाद में रिया चक्रवर्ती को पकड़े, और साथ ही में अब पैरेलल जो चेन्स है उसको वो अरेस्ट कर रहे हैं या उनको वो जो ढूंढ रहे हैं ये हमें पता चल रहा है। अगर हम बात करें ये सारे लोगों की, ये सारे लोग बता रहे हैं कि इनके पास सीजर नहीं है, पर कहीं ना कहीं भले ही कम क्वांटिटी में हो, ड्रग्स तो मिले हैं इन सारे लोगों से, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि हाँ इनका इन्वॉल्वमेंट है और इनसे अब और बड़े लोगों के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि ये चेन एक जगह पे जहाँ पे रिया के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत तक एंड होती है, वैसे ही यही सारे लोग दूसरे भी चेन्स जो है फॉलो करते थे, दूसरे भी लोगों तक पहुंचाते थे। वो लोग कौन है, उनकी कोशिश
उन तक पहुंचने की कोशिश जो है एनसीबी अभी फिलहाल कर रही है। हाँ, और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, अब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया जगह जगह से छापेमारी के बाद। केजे और सूर्यदीप, ये दो नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, इनसे पूछताछ में कोई क्लू निकला क्या? हालांकि वकील तो डिफेंड कर रहे थे, वो उनका काम है डिफेंड करना, कहा कि कॉलेज के लड़कों को पकड़ लिया है, बड़े ड्रग पेडलर्स तक तो हाथ पहुंचे ही नहीं। अब बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने, वकील का काम होता है कि डिफेंड करना, और चाहते हैं कि उनका मुक्किल जो उनका केस जिसके लिए लड़ते हैं वो कुछ क्राइम किया नहीं हो, भले उसने मर्डर भी कर दिया हो, तो वह तो उनका काम अपना कर रहे हैं, जो उनके लिए फीस मिलती है वह कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए, एनसीबी जो भी कार्रवाई कर रही है बिल्कुल सोच समझ से कर रही है, सबूतों के साथ कर रही है। देखिए, यही तो बात है कि एनसीबी को इसी का तो भंडाफोड़ करना है कि जो यूथ को आखिरकार जो ड्रग स्मगलर हैं, जो बॉलीवुड में तमाम बड़े बड़े लोग शामिल हैं, यही तो बात है कि वह यूथ को निशाना बना रहे हैं। यूथ के जरिए आसानी से लोगों तक पहुंच जाते हैं, चाहे वह फिल्म स्टार्स की बात करें, चाहे वह मॉडल्स की बात करें, चाहे एक्ट्रेस की बात करें। और यही कारण है कि एनसीबी उन लोगों तक रीढ़, जो उनकी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो पकड़ लिया है, उनकी नस को पकड़ लिया है। और यही वजह है कि जब उनकी नस को पकड़ा है तो नस दुख रही है उनकी, तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई लेना देना है नहीं। और यही बात उर्वशी भी कह रही थी अभिषेक, कि सबूतों के आधार पर एनसीबी की टीम आगे काम कर रही है, कड़ी दर कड़ी मिला रही है, और इसीलिए इन लोगों तक शिकंजा पहुंचा है। उम्मीद है कि आगे और भी लोगों का शिकंजा कसेगा और भी लोगों का नाम सामने आएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक और उर्वशी इस अपडेट को हम तक। खास खबर के प्रस्तुत करता है MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। सहप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला।
एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। पीएम मोदी ने दी बधाई। विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा को ध्वनिमत से हराया। मुंबई से अपने होम टाउन पहुंची कंगना ने ट्वीट कर फिर साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा आदित्य ठाकरे के करीबी मूवी माफिया और ड्रग तस्करों का खुलासा करने से परेशान है महाराष्ट्र के सीएम। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने 10 दिनों की मांगी कस्टडी। सुशांत केस में नया खुलासा। 26 नवंबर 2019 को सुशांत के खाते में मौजूद 2 FD के 4.5 करोड़ की रकम से 2 दिन बाद ही गायब हो गए 2.5 करोड़ रुपए। ड्रग्स मामले में एनसीबी का बड़ा एक्शन। शौविक के दोस्त के ठिकानों पर मारे गए छापे। मुंबई में अभी भी जारी है तहकीकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे आशीष सिंह के साथ। सिल्वर स्क्रीन की जो दुनिया हमें और आपको बेहद आकर्षक लगती है, जिन सितारों को देखकर हम और आप काफी प्रभावित होते हैं, जो चेहरे देश के करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, क्या वो